Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 19th of November 2020 और आज हम देखेंगे The Hindu और Indian Express में कौन सी important news आपको पढ़नी है. So without wasting any time, let us start. The Hindu के front page पे Vaccine trial showed 95% success, says Pfizer. तो Pfizer ने ये claim किया है कि जो उनकी वैक्सीन है इट इज शोइंग 95% सक्सेस रेट विच इज अ वेरी हार्टी डेवलपमेंट. लेकिन इसी न्यूज का एक एनालिसिस जो कि एडिटोरियल पेज पे है उसमें हमें दो वैक्सीन का आपस में कंपैरिजन दिखाया गया है. एंड हाउ दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट टू अस, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंडली फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इसको एज अ स्कीम साउथ एशियन कंट्रीज या इंडिया जैसी कंट्रीज इंप्लीमेंट करती हैं देन व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन. Because these are two different vaccines. जो Pfizer की vaccine है that requires minus 70 degrees to minus 80 degrees Celsius of temperature to be stored. और इतने ultra low degree temperatures पर store करने के लिए a lot of infrastructure is required which is not there in the underdeveloped and undeveloped countries like India. On the other hand, the other vaccine that is developed by Moderna, it can survive 2 degrees to 8 degrees Celsius for about 12 hours. So that is a more viable alternative for countries like India and other countries in Africa and South Asia. So ye dekhna ab interesting rahega that despite the efficacy of 95%, whether the Pfizer vaccine can get past this logistical problem and can be the choice of preference for the entire world as a vaccine to kill coronavirus. तो यहां पर लॉजिस्टिकली और एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यह न्यूज हमें देखनी है. तो यह न्यूज आपको पढ़नी है. उसके बाद यह जो न्यूज है, आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख, आपको जनरली पढ़ लेनी है, इसको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू एड वन लाइन अगर कहीं पर जरूरत पड़े मेन्स में, दैट हाउ इंडिया इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी नेटवर्क ऑफ इंडिया. तो वहां पर आप ये कहीं ऐड कर सकते हैं. देन मूव ऑन डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पेज ऑन द स्टेट्स पेज, यू वोंट फाइंड एनीथिंग. सो ऑन द एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8, New challenges. India must not fight shy of engaging with the Biden administration on contentious issues. तो इंडिया यूएस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं पिछले करीब दो हफ्ते से, और अब जब मिस्टर बाइडन इज द प्रेजिडेंट इलेक्ट, जो हमें पता है दैट मिस्टर जो बाइडन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएस, सो नाउ देर आर एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स रिटन अबाउट द पॉसिबल इंडो यूएस पॉलिसी पाथवे दैट मिस्टर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू टेक. तो उसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल है. दिस विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस. तो जहां भी इंडिया यूएस रिलेशंस हैं, बेसिकली आजकल बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो इंडिया यूएस रिलेशंस में, जिनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ फॉर्डर पॉइंट्स, अ लॉट लॉट मेनी फॉर्डर पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड देयर. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी गो बैक टू पेज नंबर 1, ये जो न्यूज है, आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख, इसमें एक पॉइंट जो मुझे आई जस्ट स्ट्राइक इन माय माइंड इज कि इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पर्सपेक्टिव है, दैट टू इन इंडो यूएस रिलेशंस. तो यहां पर जो इंडियन आर्मी है उसने 15,000 एक्सट्रीम वेदर सूट्स मंगवाए हैं, एक्सट्रीम वेदर सूट्स दैट आर हेल्पफुल फॉर ट्रूप्स इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक इन लद्दाख. तो वो जो मंगवाए गए हैं वो यूएस से मंगवाए गए हैं अंडर द अग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस 4 years बैक, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, लेमोआ. तो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, इंडिया और यूएस के बीच में काफी सारे अग्रीमेंट साइन हुए थे, उनमें से एक ये भी था, यानी कि लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ था. तो यूएस जो है उसके पास काफी हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी वाले इक्विपमेंट्स हैं जिसको लॉजिस्टिक्स के तौर पर इंडिया और यूएस आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. सो अंडर दैट अग्रीमेंट 15,000 हाई क्वालिटी
or you can say weather clothing, extreme weather clothing has been imported by India under this particular agreement. Again, Indo-US is invoked here. So, ye point aapko yaad rakhna hai that how the US support can help us and how those agreements that we have signed can help us. Uske baad, एक अर्बन डेवलपमेंट पे आर्टिकल है रीइन्वेंटिंग सिटीज कि कैसे जो न्यू अर्बन डेवलपमेंट पैराडाइम है उसमें हम कैसे इस तरह की सिटीज को डिजाइन कर सकते हैं या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि जो डिजीज स्प्रेड है जैसे कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया उसको रोका जा सके. बेसिकली किस तरह से स्पेसिंग करनी है, किस तरह से हॉस्पिटल्स होने चाहिए, किस तरह से जो रोड्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह के एमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके. ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी रेड इन टू योर अर्बन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से. तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद तो ये पेज नंबर 9 पे द स्टोरेज टेल ऑफ टू वैक्सीन्स, ये वही जो मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 से ये न्यूज आपकी कनेक्ट होती है. तो ये आर्टिकल भी आपने डेफिनेटली पढ़ना है कि जो फाइजर है और जो मॉडर्ना है उन दोनों की वैक्सीन में बेसिकली स्टोरेज में क्या फर्क है वो यहां पर बताया गया है. ओके, सो मॉडर्ना एंड फाइजर दोनों ने ही 90% अबव एफिकेसी वाली वैक्सीन जो है वो डिवेलप कर ली हैं. बट हाउ द स्टोरेज, द डिफरेंस बिटवीन द स्टोरेज ऑफ दोज टू वैक्सीन्स एक्चुअली कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज फार एज देयर एफिशियंसी एंड देयर स्प्रेड इज कंसर्न. तो ये आपको पढ़ना है. देन मूविंग ऑन टू पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे फाइनेंस पैनल फॉर PPPs ऑन हेल्थ इंफ्रा. तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है मिस्टर एन के सिंह, उन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. उस रिपोर्ट में उन्होंने सजेस्ट किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको एक ग्रेटर रोल प्ले करना चाहिए एज फार एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न. और जो हेल्थ स्पेंडिंग है उसे 0.95% ऑफ GDP से बढ़ाकर 2.5% ऑफ GDP पे लेके जाना चाहिए बाय द ईयर 2024. So this is a important data. Right now, Indian government is spending 0.95% of the GDP total on health infrastructure or on health care. But 15th Finance Commission ने recommend किया है कि इसको बढ़ाकर 2.5% किया जाए. हालांकि ये उनके ambit में नहीं आता. They just have to suggest about the vertical and horizontal distribution of tax proceeds from center to the states. लेकिन they can suggest other fiscal measures as well. उसको मानना ना मानना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है. सो उसी में उन्होंने ये कहा है दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर स्पेंडिंग शुड इंक्रीज फ्रॉम 0.95% टू 2.5% बाय 2024. और ये स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन है वो कोरोना वायरस की वजह से आई है बिकॉज दिस ईयर वी हैव सीन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश टू इट्स लिमिट्स. उस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस न्यूज को आप अच्छे से पढ़ेंगे. Then on the international page, who won the war over Karabakh? Who won the war over Karabakh? तो Nagorno-Karabakh issue काफी hot issue चल रहा है आजकल international relations में. तो उसमें Armenia और Azerbaijan के बीच में ये एक territory है जिसको लेकर dispute है. तो इसके ऊपर finally एक peace agreement sign हो गया है. तो जो headline है who won the war over Karabakh, it means कि ज़्यादा फायदा किसको हुआ है. So it is not a win or loss situation. It's actually both the countries are walking midway. तो इसके जो terms and conditions हैं वो सारी आपको पढ़नी है. इसका map आपको जरूर देखना है. Armenia और Azerbaijan का world map आपको जरूर देखना है. किन-किन countries के साथ इनकी boundary लगती है. यहाँ पर भी ये map दिखाया गया है. So Armenia और Azerbaijan और उनका किन और countries के साथ जो है boundary लगती है. For example, Iran is there and Turkey is there. तो ये आपको अच्छे से करना है और इस अग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी आपको करने हैं. यू कैन डेफिनेटली बी गेट आस्क दिस क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम. उसके अलावा मिन्स्क ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है. व्हाट इज मिन्स्क ग्रुप? ओके, सो ये एक मैकेनिज्म है नेगोर्नो काराबाख इशू को रिजोल्व करने के लिए. इसके कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, ये कब बना था और इसका क्या रोल रहा है इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने में, वेरी इंपॉर्टेंट.
Then we move on to the next newspaper, which is the Indian Express. Indian Express mein front page news hai, security blanket for DDC polls in J&K, candidates and campaign in lockdown. अब ये पॉलिटिकल वाला पार्ट आपको नहीं करना, इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिसके लिए इलेक्शंस होने वाले हैं वो होते क्या हैं। सो रिसेंटली पिछले ही महीने सेंट्रल गवर्नमेंट ने DDCs नोटिफाई किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, ताकि इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड टायर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। सो समथिंग लाइक दैट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डेवलपमेंट काउंसिल होगी हर डिस्ट्रिक्ट में DDCs, तो उनके लिए उनमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगी, तो उनके लिए पोल्स नोटिफाई की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड ऑल द रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। हमने एक वीडियो में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था, PAGD, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। श्रीनगर में गुपकर नाम की जगह है जहां पर यह डिक्लेरेशन सभी रीजनल पार्टीज ने मिलकर साइन की, और उन्होंने ये अपना विजन रखा कि हमने दोबारा से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रीस्टोर करना है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। दिस इज देयर विजन, बट ऑल ऑफ देम हैव बीन यूनाइटेड फॉर दिस पर्पस। लेकिन वो फिर भी DDC पोल्स फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये न्यूज इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़नी है, दैट द न्यू लेवल ऑफ गवर्नेंस, तो पॉलिटी में ये एक नई चीज आपके लिए आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, राइट। Then, let us move directly to the editorials pages. So, on the editorial page, एक आर्टिकल है, पापा डोंट लीव, पेटर्निटी लीव इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो एक सोसाइटी पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए एक आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, कि जैसे मैटर्निटी लीव होती है उसी तरह से एक पेटर्निटी लीव भी जो है इट शुड बिकम अ लेजिस्लेटिव रियलिटी। तो रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड ये एक चीज है जिसको आप पढ़ सकते हैं। देन this particular article, standing with Mother Su, this is an article on the Myanmar elections. So Aung San Suu Kyi, उसके बारे में ये एक article है, Indo-Myanmar relations में, इसमें से आपको कुछ fodder points मिल सकते हैं, so definitely read it for international relations IR. On the world page, UK to ban new petrol cars by 2020 on road to net zero emissions target. Climate change से related एक अच्छी काफी important announcement है, जहां कहीं भी आप environment and ecology से related कुछ answers लिख रहे हैं या फिर जहां कहीं भी आप climate deal से related कुछ भी mention कर रहे हैं, वहां पर ये point आप definitely mention कर सकते हैं। The initiatives taken by various states, तो एक आपको UPSC के mains में एक specific topic है, models and various you can cite the examples of various models that the other countries are adopting. So how the UK has adopted this model that they are going to ban sale of new cars by 2020, jo ki fossil fuel se chalengi, but they will allow the sale of electric cars. So that shows a very encouraging trend which other countries can emulate. Jaise kuch aur countries ki examples hain, say Germany has said that by 2070 it will become totally carbon neutral, like wo 1% bhi जो कार्बन एमिशन है वो नहीं करेगी, और जितने करेगी उतने ही वो सब्ज्यूम भी कर लेगी। दैट मींस दे विल टोटली बैन ऑल द फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय 2070। सो सिमिलरली नाउ द यूके हैज सेड दैट बाय 2030 नो मोर पेट्रोल कार्स ऑन द रोड्स, नेट जीरो एमिशन टारगेट पे ये जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट डील एज फार दैट इज कंसर्न। So, ये सारी न्यूज है जो आपको आज के न्यूज़पेपर से पढ़नी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।